दोस्तों, मैं हूं ऋतिक गोस्वामी, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो अभी बात करते हैं फिल्म ब्रह्मास्त्रा के बारे में। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्रा जो है 9 सितंबर को जो है बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है फिलहाल देखने को मिला है। ब्रह्मास्त्र ने अब तक जो है वर्ल्ड वाइड 160 करोड़ रुपये जो है 2 दिन के अंदर जो है कमा लिए हैं। फिलहाल पहले दिन की अर्निंग इसकी 75 करोड़ रुपये की, दूसरे दिन जो है 85 करोड़ रुपये इस फिल्म ने कमाए हैं। और अब बातें ये सामने आ रही है, खबरें ये सामने आ रही है कि इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर जो है रिलीज किया जाएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जो है ये फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म के OTT राइट्स जो है इस प्लेटफॉर्म के पास हैं और एक रिपोर्ट की माने तो D23 एक्सपो में डिज्नी के अंतर्राष्ट्रीय सामग्री व संचालन चेयरमैन रेबेका कैंपल बेल ने इस ब्रह्मास्त्र के भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कुछ हफ्तों के बाद जो है रिलीज होने की, प्रसारित होने की जो है योजना का खुलासा किया है। तो अभी खबरों के मुताबिक ये बात साफ हो चुकी है कि ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जल्द ही जो है रिलीज होगी। और फिल्म का जो है, पहले ये बातें आ रही थी कि इस फिल्म का बायकॉट चल रहा है, इस फिल्म को जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पर फिलहाल जो अब तक का जो रिस्पॉन्स जो फिल्म का रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है इस फिल्म के फिलहाल आ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये फिल्म जो है लाइगर और लाल सिंह चड्ढा की तरह अपने बजट तक भी नहीं पहुंच पाएगी या अपने बजट को क्रॉस करके मुनाफे के अंदर जाएगी।